संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि इस देश में मुस्लिम और पारसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि संघ का उद्देश्य भारत में परिवर्तन के लिए सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि पूरे समाज को संगठित करना है। आरएसएस के शीर्ष निर्णय निर्धारण संस्था अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के मद्देनजर बुद्धिजीवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि समाज को एकजुट करना आज की तारीख में बहुत जरूरी है और आरएसएस इस दिशा में काम कर रहा है। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के आने से हमारी उन्नति, गलत बात है। हम क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना गोरे लोग हमारे देश में नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर कर सकते हैं। हमारी परंपरा क्या है, हमारी एकता का आधार क्या है, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में समान धारणा सर्वत्र अपने देश में विद्यमान थी। अंग्रेजों की राजनीति के निकट जाकर उसको जिन लोगों ने छुआ अथवा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीतिक समीकरण बदले उनमें जिनके स्वार्थ उभर कर आए उनकी भाषा अलग हो गई स्वार्थों के कारण, वरना सत्य ये है हम हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं, भाषा का नाम नहीं। मोहन भागवत ने अपने भाषण में बेहतर समाज की बात भी की और उन्होंने कहा कि हमारी किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए जो देश में बदलाव ला सके और उसे विकास में मदद हो। ओडिशा के 9 दिन के दौरे पर गए भागवत ने यह भी कहा कि भाव, विचार और संस्कृति में विविधता के बावजूद भारत के लोग खुद को एक ही महसूस करते हैं। किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं, हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। वो संस्कृति एक वैशिष्ट्यपूर्ण विविधताओं को स्वीकार और सम्मान करने वाली संस्कृति है, दुनिया में एकमात्र ऐसी है। इसलिए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को उद्धार दी, हर पतित को पुचकार दी, यह हमारा इतिहास रहा है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन करना है। अब हिंदू संगठन कर मोहन भागवत की सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है वो ये कि पारसी भारत में काफी सुरक्षित हैं और मुस्लिम भी खुश हैं। भागवत ने कहा कि यहूदियों को जब सबने ठुकराया तो भारत ने अपनाया, दुनिया में पारसी धर्म सिर्फ भारत में सुरक्षित है। और दूसरी बात जो भागवत ने कही वो ये कि समाज में बदलाव लाने की दिशा में सही तरीका ये है कि ऐसे उत्कृष्ट इंसान तैयार किए जाए जो समाज को बदलने और देश की कायापलट करने में अहम भूमिका अदा कर सके। वो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के आने से हमारी उन्नति, गलत बात है। हम क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना गोरे लोग हमारे देश में नहीं आते तो भी वेदों के आधार पर कर सकते हैं। हमारी परंपरा क्या है, हमारी एकता का आधार क्या है, हमारा राष्ट्र कौन सा है, इसके बारे में समान धारणा सर्वत्र अपने देश में विद्यमान थी। अंग्रेजों की राजनीति के निकट जाकर उसको जिन लोगों ने छुआ अथवा द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो राजनीतिक समीकरण बदले उनमें जिनके स्वार्थ उभर कर आए उनकी भाषा अलग हो गई स्वार्थों के कारण, वरना सत्य ये है हम हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं, भाषा का नाम नहीं, किसी प्रांत प्रदेश का नाम नहीं, हिंदू एक संस्कृति का नाम है जो भारत में रहने वाली सबकी सांस्कृतिक विरासत है। वो संस्कृति एक वैशिष्ट्यपूर्ण विविधताओं को स्वीकार और सम्मान करने वाली संस्कृति है, दुनिया में एकमात्र ऐसी है। इसलिए विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
भूमि यहां हर दलित को उद्धार दी, हर पतित को पुचकार दी। यह हमारा इतिहास रहा है। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं और इसलिए हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू संगठन करना है। अब हिंदू संगठन कर